गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, वी आर ऑन चैप्टर नंबर सिक्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एंड वी हैव डन फोर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, द सेकेंड वन इज टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट, एंड द थर्ड वन इज ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड द फोर्थ वन इज टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट. एंड इन दिस क्लास will cover Mediterranean vegetation and coniferous forest. So let's start with Mediterranean vegetation. So you have to open page number 139 for this. So Mediterranean vegetation ki sabse badi advantage aur quality hum bole ki ye Mediterranean sea ke paas aur us jaise जो क्लाइमेट है वो जहाँ जहाँ मिलता है वो एरिया क्या कहलाता है, मेडिटेरेनियन सी. जैसे अरेबियन सी, ठीक है, तो अरेबियन सी के आसपास का वेजिटेशन जिस टाइप का होगा उसे हम बोलेंगे अरेबियन वेजिटेशन. ठीक है, अब वैसा ही वेजिटेशन हमें अगर यूरोप में मिल रहा है तो वो भी कौन सा वेजिटेशन कहलाएगा, वो भी अरेबियन वेजिटेशन कहलाएगा. तो मेडिटेरेनियन सी के पास जिस तरीके का क्लाइमेट है, जिस तरीके का वेजिटेशन पाया जाता है और अलग अलग इलाकों में, उसे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन बोलते हैं. सो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मेडिटेरेनियन सी है कहाँ पर. तो एक हम रफ डायग्राम बनाएंगे और हम ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जो डायग्राम्स बनाए जाते हैं वो कभी भी स्केल पर यहाँ मैं नहीं बना रही हूँ, यहाँ सिर्फ मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ, क्योंकि आपके जो डायग्राम्स होते हैं वो स्केल्स पर ही एक्यूरेट बनाए जाते हैं. यहाँ पर बस आपको एक समझाने के लिए डायग्राम बनाया जाता है ताकि एक रफ एग्जांपल हो जाए कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है. तो ये एक रफ डायग्राम है हमारे अगर हम बोलें वर्ल्ड मैप का. तो देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड फोर ओशियन, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम ये देखेंगे मेडिटेरेनियन सी सिचुएटेड कहाँ पर है. तो ये हो गया हमारा यूरोप. ओके, ये जो पार्ट है ये हो गया इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली. थोड़ा एक्यूरेट नहीं है ये, बट फिर भी काम चलाना है. सो यहाँ है अफ्रीका एंड यहाँ है यूरोप. अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है मेडिटेरेनियन सी. अफ्रीका एंड यूरोप के बीच वाला मिड पार्ट मेडिटेरेनियन सी होता. अब इसके आसपास वाले इलाके में जिस तरीके की वेजिटेशन होगी वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होगी. द वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन मिडिल लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट. वेस्टर्न ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला वेस्टर्न पार्ट हो गया, एंड साउथ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट. साउथ वेस्टर्न मार्जिन्स, ये रहा साउथ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इन मिड लैटिट्यूड. ये वाले लैटिट्यूड नहीं, मिड लैटिट्यूड, ये और ये वाले इलाके, यहाँ पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पाई जाती है. दिस क्लाइमेट इज टर्म्ड एज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एज इट इज़ एक्सपीरियंस मेनली इन द एरिया सराउंडिंग द मेडिटेरेनियन सी. क्योंकि यहाँ पर ऐसे मिलता है, अगर यही चीज़ यहाँ मिलेगी तो वो भी मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहलाएगी. द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाय इट्स हॉट ड्राई समर्स एंड कूलर वेट विंटर्स. यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, गर्मी है तो वो हॉट एंड ड्राई होगी एंड विंटर्स यहाँ पर वेट है, कॉमन सी. द ट्रीज इन दीज एरियाज आर एबल टू विथ स्टैंड द समर ड्रॉथ, सूखे में भी खड़े हैं. दे डू नॉट वाइदर द इन द ड्राई मंथ, दे डू सो बाय स्पेशल अडाप्टेशन लाइक लॉन्ग रूट्स. सर गर्मियों में भी अपने जो पत्तियां हैं उनको नहीं एक तरीके से सूख रही हैं, क्योंकि उन्होंने उस एरिया को अडाप्ट कर लिया है, क्योंकि उनकी लंबी रूट्स हैं तो वो पानी खींचेंगी तो वो सूखेंगे नहीं. थिक बार्क्स वैक्स कोटेड लीव्स, उनकी जो लीव्स होती है वो वैक्स कोटेड होती है, वैक्स मीन्स मोम, एंड दैट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन इन ड्राई समर. समर में क्या होता है, गर्मी पड़ती है, पत्ते जल जाते हैं, पर यहाँ पर वैक्स कोटेड है, जो जड़े हैं वो ज़्यादा अंदर तक है, तो इसलिए जो पत्तियाँ हैं वो सूखती नहीं है. द ट्रीज हैव स्टंट ग्रोथ एंड आर वाइडली स्पेस्ड, स्मॉल शर्ब्स ग्रोज
grow in between oaks, cedar, cypress, pines, firs, maple are important trees belonging in these areas, to these areas. यहाँ पर trees के examples हमने देख लिए. अब हम examples देखेंगे कौन कौन सी area में पाए जाते हैं Mediterranean vegetation. Mediterranean sea in southern Europe. ये रहा Europe, उसका southern part ये रहा. Northern Africa. Africa का northern part ये रहा. Africa का northern part. And part of West Asia. West Asia का कौन सा part हो जाएगा? ये वाला, western part of the Asia. And apart from these areas, California in USA, southwestern part of the continent of America, South America, Africa, Australia, यहाँ पर भी Mediterranean vegetation पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही weather देखने को, ऐसा ही climate देखने को हमें मिलता है. Much of the natural vegetation of these areas has been removed by its inhabitants for large-scale cultivation of fruits and nuts. यहाँ पर हमें fruits and nuts की cultivation ज़्यादा देखने को मिलती है, बशर्ते हम trees की बात करें तो. Citrus fruit, खट्टे फल जैसे हम बोलते हैं, citrus fruit जैसे oranges, lemons, lime, peaches, plums, cherries, figs and apricots and nuts are like almond and walnut are largely cultivated. तो इन areas में citrus fruit, खट्टे फल ज़्यादा cultivate किए जाते हैं. Common एक question भी बन सकता है कि citrus fruit इन सभी types of vegetations में ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो वो Mediterranean vegetation में citrus fruit ज़्यादा उगाए जाते हैं and nuts भी जिनमें almond and walnut ज़्यादा उगाए जाते हैं. The grape vine and olives, pizza में olives देखे हम लोगों ने, तो olives of these areas are famous all over the world. यहाँ के grape vines and olives दुनिया भर में famous है. On account of this Mediterranean land is also known as orchids of the world. It is also known as orchids of the world. You have to learn this or underline this to learn this. Okay, so Mediterranean vegetation हमने देख लिया. अब हम देखेंगे coniferous forests. Coniferous forests lie in the high latitude in the northern hemisphere between 50 degree north to 70 degree north. They are also known as taiga. हमने बोला था कि किस तरीके से आपको काम करना है, टेबल बनानी थी हम लोगों को, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, taiga. ठीक है, ये हायर लैटिट्यूड पर मिल रहे हैं, इन इलाकों में मिलेंगे आपको नॉर्दर्न लैटिट्यूड में. कॉन्फेरस फॉरेस्ट ऑल्सो अकर इन एरियाज ऑफ हाई अल्टीट्यूड इन द माउंटेनस स्लोप. ज़रूरी नहीं है यही मिल रहे हैं, कोई माउंटेन है, माउंटेन के स्लोप्स पर भी इस तरीके के आपको पेड़ देखने को मिल सकते हैं जो कि टैगा वेजिटेशन कहलाएंगे. सच एरियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट वार्म समर, जो गर्मी होती है वो कम टाइम की होती है, एंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इन इलाकों में. Coniferous which are adjusted to grow in such a climate bear their seeds in hard cones have narrow needle shaped leaves. यहाँ पर coniferous forest के अगर हम example देखें तो इस तरीके के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे. The trees are tall and straight. They are widely spaced and occur in pure stands. The trees have soft wood which are lightweight. These characteristics have made lumbering easy and lucrative in the regions of coniferous forests. The trees are pine, fir, spruce, cedar, large hemlock. Trees के example. अब कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? अलास्का में मिल रहे हैं, सदर्न कनाडा में मिल रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में मिल रहे हैं, रशिया में मिल रहे हैं. इंडिया में कैसे मिलेंगे? इंडिया में सॉरी फाइंड आउट वेयर इंडिया यू कैन सी. तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में मिलेंगे अगर ये मिलेंगे तो भी. अब एनिमल्स में सिल्वर फॉक्स, मिंक, लायक्स, पोलर बियर, कैरिब्यू, रेंडियर मिलते हैं इन इलाकों में. वही एनिमल्स जो कि ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं वही इन इलाकों में भी मिलेंगे. द सॉफ्ट वुड ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज यूज फॉर मेकिंग पेपर पल्प फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट. इनके लकड़ियों से क्या बनता है? पेपर पल्प बनता है जिससे हम पेपर और न्यूज़ प्रिंट्स बनाते हैं. द सॉफ्ट वुड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैच बॉक्सेस. माचिस की जो तीलियाँ होती है वो किससे बनती है? इन टाइप्स के वेजिटेशन से बनती हैं, वुड से बनती हैं. पैकेजिंग बॉक्सेस, प्लाईवुड फॉर फर्नीचर, प्लाईवुड बेंचेस के ऊपर जो प्लाईवुड्स लगी हैं वो इनसे बनती हैं. डोर्स बनते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं.
etc. This has resulted in large-scale lumbering and destruction of these forests by the advanced countries in which these forests are areas are located. अब ये बहुत काम के forest हो गए, तो जिन जिन developed और developing countries में ये forest होते हैं वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, उनकी एक तरीके से बहुत ज़्यादा कटाई कर रहे हैं ताकि इनका use, commercial use लिया जा सके. So in this class we have done two types of vegetation, Mediterranean vegetation and coniferous forest. अब Mediterranean vegetation Mediterranean Sea के आसपास और इस जैसे इलाके का क्लाइमेट कहीं और मिलेगा वो Mediterranean हो गया. Mediterranean में citrus food ज़्यादा उगाए जाते हैं, nuts ज़्यादा उगाए जाते हैं और areas हमने आपको बताई दिए. Coniferous forest ऊंचे वाले high altitude, मतलब जहाँ पर बर्फ ज़्यादा है, जहाँ पर ठंड है, समर बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है. एनिमल्स बता दिए, इनके ट्रीज के टाइप्स बता दिए जो कि वहाँ पर मिलते हैं. ना अब अगर हम ग्रासलैंड्स की तरफ बढ़े, तो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट क्लास में देख लिया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड द सेकेंड वन इज टेम्परेट ग्रासलैंड. सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या अंतर है, ये किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो इन द नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन डिटेल. So that's it for today's class. Thank you.